नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से। जी हाँ, बिना गठबंधन प्रत्याशी घोषित हुए सपा के दो दो लोगों ने किया नामांकन। बताते चला कि लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में महाराजगंज जनपद के लोकसभा सीट से सपा के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के पांचवें दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं सपा से मंत्री रह चुके सुशील तिवड़ेवाल ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट से अब तक गठबंधन का प्रत्याशी घोषित न होने के बावजूद भी पूर्व सांसद अखिलेश सिंह व पूर्व मंत्री सुशील तिवड़ेवाल ने सपा से आज अपना नामांकन किया। कार्यकर्ता में जहां संशय बरकरार है, वहीं चुनावी चर्चा भी गर्म है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने बताया कि मैंने पार्टी को सूचित कर दिया है, आज अपना नामांकन कर रहा हूं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसका मैं स्वागत करता हूं। वहीं सपा के पूर्व मंत्री सुशील तिवड़ेवाल ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी उसका स्वागत है। निर्दल चुनाव लड़ने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि पार्टी टिकट देती है तो ही चुनाव लड़ूंगा। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्या का समाधान और क्षेत्र का विकास ही मेरा चुनाव का मुद्दा है। अब देखना यह है कि गठबंधन कब तक अपना उम्मीदवार महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए घोषित करती है। महाराजगंज से इंडिया पावर न्यूज के लिए एसपी रावत की रिपोर्ट। मंत्री जी, आप नामांकन दाखिल किए, किस पार्टी से आपने नामांकन किया? समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल हुआ है। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, किसी अन्य दल से दाखिल होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। जैसा कि पार्टी के हाईकमान ने अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो हाँ, इसके लिए 29 तक समय है। पार्टी हाईकमान जो है आज या कल में प्रत्याशी घोषित कर देगा। मंत्री, अगर आप प्रत्याशी नहीं घोषित होंगे तो क्या आप निर्दलता ठोकेंगे? नहीं, हम प्रत्याशी घोषित होने पर ही चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझको अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाएगी, घोषणा करेगी। अभी बलिया और महाराजगंज दो जिले की घोषणा बाकी है, इन दोनों जिलों की घोषणा आज शाम को या कल निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है और आज का दिन बचा था, इसके बाद सोमवार बचा है, उस नाते आज दाखिल कर दिया गया ताकि कोई